আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি ফাতিরিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি জাইলিল মালাইকাতি রুসুলান উলি আজনিহাতিম মাসনা ওয়া সুলাসা ওয়া রুবা ইয়াজিদু ফিল খালকি মা ইয়াশাউ ইন্নাল্লাহা আলা কুল্লি শাইইন কাদির। ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تبارك وتعالى ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون صدق الله العظيم। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इकरा टीवी पर लाइव क्यू एंड ए का प्रोग्राम। मुफ्ती मोहम्मद अशफाक आपकी खिदमत में हाजिर हैं और जैसा कि आप जानते हैं ये प्रोग्राम पीर से लेकर जुमे तक किसी वक्त नश्र होता है। प्रोग्राम की तरतीब से भी आप वाकिफ़ हैं। शुरू में किसी मौजू पर गुफ्तगू होती है और फिर आपके लिए लाइव कॉलों का सिलसिला जारी किया जाता है, जिसमें आप दीनी सवालात के जवाबात और ख्वाब की ताबीरात भी, जैसा कि आज वेनसडे है, ख्वाब की ताबीरात भी आप मालूम कर सकते हैं। जो हम सिलसिला तफसीर का चला रहे हैं, चल रहा है, वो सूरह आराफ़ का है और आज ही वो आयत आएगी जिसके अंदर लफ्ज़ आराफ़ मज़कूर है, ज़िक्र किया गया है। आज जो आयत शुरू में पढ़ी गई, वनादा अस्हाबुल जन्नति अस्हाबन नार, हदीसों से और कुरान से ये मालूम होता है कि जन्नत वाले जन्नत में और जहन्नम वाले जहन्नम में चले जाएंगे, उस वक्त उनके दरमियान बातचीत होगी। सूरह मुद्दस्सिर के अंदर आप देखें, अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सक़र, मुजरिमीन से पूछेंगे तुम्हें जहन्नम में कौन सी चीज़ ले आई, यानी तुम्हारा कौन सा गुनाह जहन्नम में दाखिले का सबब बना। قالوا لم نكن من المصلين, वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। ولم نكن نطعم المسكين, और हम मिसकीन को खाना नहीं खिलाते थे। وكنا نخوض مع الخائضين, और हम भी दीन के बारे में जो गौर व खोज कर रहे थे, यानी सवालात कर रहे थे, उसमें कमज़ोरियाँ तलाश कर रहे थे, उनमें हम शामिल हो गए थे। दूसरी जगह सूरह साफ़ात में इसका ज़िक्र है, फ़त्तला फ़राहु फ़ी सवाइल जहीम, जन्नती झांकेगा जहन्नम के अंदर। फ़राहु फ़ी सवाइल जहीम, उसका जो साथी दुनिया में उसके साथ था उसको देखेगा कि जहन्नम के बीच में पड़ा हुआ है। قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين, ये तो रब का एहसान है कि मैं जन्नत में, अल्लाह ने मुझे पहुंचा दिया, अगर तेरी बात मान लेता तो तू हलाक कर देता। तो इस तरह ये जो बातें हैं कुरान में भी मज़कूर हैं, हदीस में भी ज़िक्र की गई हैं, ये बातें भी दरअसल जहन्नमियों को ज़हनी तौर पर सज़ा के सज़ा के लिए है कि पहले ही वो जिस्मानी तौर पर सज़ा दी जा रही है उनको, फिज़िकली उनको पनिशमेंट हो रहा है, अजाब हो रहा है, और फिर ज़हनी तौर पर ये सवाल किया जाएगा, हाँ क्या कर रहे थे कि तुम जहन्नम में आए, तो फिर वो और ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे ज़हनी तौर पर। ज़हनी तौर पर ये पूछा जाएगा कि हमको तो अल्लाह ने जो वादे किए थे जन्नत में वो मिल गए, तुमको भी वो वादे मिल गए, जो वईदें थी जहन्नम में ये होगा जहन्नम में ये होगा, तुमने पा लिया, वो कहेंगे हाँ जहन्नम में ये सब चीज़ें हैं। तो इस तरह के सवाल और जवाब इस यहाँ पर सूरह आराफ़ में मज़कूर है। वनादा अस्हाबुल जन्नत या अस्हाबन्नार,
جنتی جہنمیوں کو پکاریں گے اور کہیں گے فقالوا هل وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ما وعد ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. ہم سے اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ جنت میں یہ انعامات ہوں گے یہ انعامات ہوں گے وہ ہم نے پا لیے. ان قد وجدنا ہم نے پا لیے. کیا تم نے بھی پا لیا وہ جس کا تم کو اللہ نے وعدہ کیا تھا؟ وہ کہیں گے نعم ہاں. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. ایک پکارنے والا پکارے گا ان کے درمیان. یہ پکارنے والا اللہ کی طرف سے ہوگا. وہ کہے گا ظالمین پر اللہ کی لعنت. رحمت سے دوری ہے ان لوگوں کے لیے جو ظلم کرتے تھے, شرک کرتے تھے, کفر کرتے تھے, ان کے لیے رحمت سے دوری کر دی گئی. سورہ حدید کی ایک آیت سے پتہ چلتا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. جو لوگ جہنم کے مستحق ہیں ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. پھر دو طبقے رہ جاتے ہیں, ایمان والے اور منافقین. منافقین جو ظاہر میں ایمان کا دعویٰ کرتے تھے لیکن دل میں کفر چھپا ہوا ہے. لوگوں کی نظر میں وہ مومن ہیں, لوگوں کی نظر میں وہ مسلمان ہیں, لیکن اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں. تو یہ ابھی باقی رہیں گے. جہنمی جو کافر تھے, کھلے طور پر مشرک تھے, ان کو ڈال دیا گیا. اب پل پر یہ دونوں جا رہے ہیں, صراط پر پل پر وہ دونوں جا رہے ہیں, مومنین بھی اور منافقین بھی. مومنین کے پاس ایمان کا نور ہے. اس ایمان کے نور میں, اس کی روشنی میں, لائٹ میں وہ چل رہے ہیں آگے آگے. منافقین بھی انہی کے روشنی سے کچھ روشنی حاصل کر رہے ہیں اور چل رہے ہیں. اور کہتے ہیں منافقین انظرونا نقتبس من نورکم, مومنوں سے کہہ رہے ہیں ذرا دھیرے دھیرے چلو, ذرا ٹھہرو, ہمارا انتظار کرو, ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھا رہے ہیں. نقتبس من نورکم. مومن کہیں گے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا, ان سے کہا جائے گا کہ واپس جاؤ, وہاں نور تلاش کرو جہاں نور تقسیم ہو رہا تھا. جب وہ واپس جانے کے لیے مڑیں گے فضرب بینہم بسور له باب, ان کے درمیان ایک دیوار بنا دی جائے گی. باطنه فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب, اس کا باطن جو ہے رحمت ہے, اندرونی حصہ, اور ظاہر کا حصہ عذاب کا ہے. یعنی اس کے ایک طرف رحمت ایک طرف عذاب ہے. تو معلوم ہوتا ہے یہ پل پر چلنے والے یہ دو لوگ ہوں گے, ایک منافقین اور ایک مومنین. باقی جو کھلم کھلا مشرک اور کافر تھے وہ بغیر پل پر چلے ہی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ, اور ان کے درمیان ایک پردہ ہوگا, ان جنتیوں کے درمیان جنہوں نے جہنمیوں سے سوال کیا کہ ہم کو تو اللہ کا وعدہ مل گیا, کیا تم نے بھی اللہ کا وعدہ پا لیا؟ ان دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ ایک دیوار قائم کر دیں گے. وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ, اور اعراف کے اندر وہ لوگ ہوں گے جو نشانیوں کے ذریعے پہچانے جائیں گے. اعراف کیا ہے؟ اعراف کے بارے میں کئی اقوال ہیں علماء کے. یا تو یہ کہ وہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے جہاں پر ان لوگوں کو رکھا جائے گا جن کے اعمال برابر سرابر ہو گئے, نہ ان کی نیکیاں زیادہ ہوئیں نہ ان کے گناہ زیادہ ہوئے. دوسرا اعراف کے بارے میں یہ ہے کہ وہ لوگ جو وہ بچے جو کافروں کے بچے تھے ان کو اس میں رکھا جائے گا. تو اب درمیان میں جگہ ہے یہ جہاں
جنت کی نعمتیں بھی نہیں اور جہنم کا عذاب بھی نہیں. وہاں پر کچھ لوگ ایسے ہوں گے, یعرفون کلا بسیماہم, جن کے نشانات سے ان کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ یہ کون لوگ ہیں. جن کے حسنات اتنے زیادہ نہیں کہ جنت میں داخل ہو سکے, نیکیاں اتنی زیادہ نہیں کہ جنت میں داخل ہو سکے, لیکن گناہ بھی اتنے زیادہ نہیں کہ وہ جہنم میں داخل ہو سکے, اس لیے ان کو درمیان میں رکھا جائے گا. آخر میں رحمت خداوندی سے یہ لوگ بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے, یعنی اللہ کی رحمت کے ذریعے یہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے. اور صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بڑے ماہرین ہیں تفسیر کے بارے میں, ان کے بھی یہی اقوال ہیں کہ اعراف کے لوگوں کو بھی جنت میں داخلہ مل جائے گا. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وہ لوگ جو ابھی اعراف میں ہیں وہ جنت والوں کو پکاریں گے اور کہیں گے سلام علیکم, تم پر سلامتی ہو. سلامتی کا لفظ بولا جا رہا ہے, اور کیا کہہ رہے ہیں, لم يدخلوها وهم يطمعون, وہ ابھی تک جنت میں داخل تو نہیں ہوئے ہیں لیکن امید لگائے ہوئے ہیں, ان کو یقین ہے, امید ہے کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ, ایک طرف اعراف والوں کی نظر جب جہنم والوں پر پڑے گی, کہیں گے رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, اے اللہ ہم کو ان لوگوں میں سے نہ بنانا. اللہ کی پناہ مانگیں گے اب, یعنی ایک طرف جنت والوں کو دیکھیں گے تو ان کو سلام کریں گے اور امید رکھیں گے کہ ہم وہاں چلے جائیں, دوسری طرف جہنم والوں کو دیکھیں گے تو یہ کہیں گے کہ اللہ ہم کو ان لوگوں میں سے مت بنانا. یہ اعراف کا ذکر آیا ہے اس سورت کے اندر, اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ اعراف ہے. اس سے پہلے کئی بار بتایا, اکثر سورتوں کے نام اس سورت کے اندر یا تو اس کا مضمون یا اس کا لفظ موجود ہے. جیسے سورہ فیل ہم پڑھتے ہیں, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. سورہ ماعون پڑھتے ہیں, ویمنعون الماعون. اسی طرح بہت کم ایسی صورتیں ہیں جس کے اندر جو لفظ ہے وہ یا مضمون کے اعتبار سے آیا یا لفظ نہیں آیا ہے. ناظرین کرام, اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو کیو این اے کا پروگرام. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا آپ کوئی خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں. انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے. ایک لائیو کالر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب آپ کیسے؟ جی الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ جی ٹھیک ہوں. میں نے آپ سے دو خواب پوچھنے تھے. جی ایک تو یہ ہے کہ میں اکثر خواب میں غسل خانہ دیکھتی ہوں, کبھی گندگی ہوتی ہے کبھی گندگی نہیں ہوتی. اور دوسرا خواب یہ ہے کہ میں کسی ان نون جگہ پہ ہوں اور وہاں پہ دیکھا کہ میرے ماموں ہیں, پھر میں دوسری طرف چلی جاتی ہوں اور ایک آئی تھنک بلیک کلر کا کتا ہوتا ہے اور وہ میرے پیچھے آنا شروع کر دیتا ہے اور وہ بھونکنا شروع کر دیتا ہے. تو پھر ایک کوئی چیز ہے, میں اس کے اوپر چڑھ جاتی ہوں, اس اوپر چڑھ جاتی ہوں, لیکن میں سوچتی کہ میں کتنی اوپر آ گئی ہوں اور یہ ابھی بھی بھونک رہا ہے. تو پتہ نہیں وہ غائب ہو گیا, پھر کہیں سے کوئی رسی سی ہے اور میں نے سوچا اب مجھے نیچے جانا ہے, لیکن میں ننگے پاؤں ہوں اور میں سوچا اب میں نیچے کیسے جاؤں گی, یہ تو میں کافی ہائٹ سے بھی ڈر رہی ہوں, پتہ نہیں کیسے نیچے جاؤں گی. پھر میری آنکھ کھل گئی. اچھا ٹھیک ہے, انشاءاللہ بتا دیں. جی شکریہ, اللہ حافظ. السلام علیکم. اور ایک کال کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیے. کیا ٹھیک ٹھاک ہو؟ الحمدللہ, اللہ کا کرم ہے. آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر, آپ کی دعائیں چاہ رہی ہیں. میں نے فون اس لیے کیا, کل میں نے آپ کو فون کیا تھا اپنے خامن کے لیے, کیونکہ میں کبھی پیشاب کی پرابلم کو دیتے تھے آپ نے سورۃ الانشاء سے پڑھنے کے لیے. جی جی. تو میں پڑھتی ہوں. تو ابھی مجھے یہ ان کو یہ پرابلم ہے, جب بیٹھے ہوتے ہیں نا, میں لیٹے ہوئے ہیں بیڈ پر, تو نیچے گر جاتے ہیں. اکثر یہ ایسے ہوتا ہے. کوئی ایسا ہو جس کو بتائیں کس
ये नीचे ना गिर करना, तो समझ नहीं आता ना नीचे कितनी दफा गिर रहे हैं। तो बैठे तो बैठे बैठे गिर जाते हैं या सोए सोए? बैठे बैठे गिर जाते हैं। अच्छा अच्छा, बेड पर बैठे हैं ना, रूम जाते बैठे हैं ना, फिर नीचे गिर से अगले दिन भी नीचे गिर रहे, काफी चोटें लगी हैं। उसको पहले हॉस्पिटल में थे तो उधर नीचे नीचे गिरे, फिर काफी तकलीफ चोट लगी। ठीक है, इंशाल्लाह बता दें। नहीं आता किस वजह से गिरते हैं, कोई बाल ही प्रॉब्लम है या कोई ऐसे कोई है, आप इनके लिए दुआ करें। और इंशाल्लाह जरूर। वही ना, अस्सलाम वालेकुम। और एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आप लाइन पर हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? जी वैसे तो ठीक हूँ, लेकिन ये दो ख्वाब हैं जिनमें से एक तो बहुत बहुत परेशान कर रहा है। क्या देखा आपने? जी मैंने जब ये अभी ये समर हॉलीडेज के बाद स्कूल स्टार्ट होने वाले थे, तो मैंने एक ख्वाब देखा कि मेरी बच्ची को मैं स्कूल में एडमिशन करवा के आती हूँ और फिर उसको ढूंढती हूँ जाके, तो पता चलता है वो गुम हो गई है। और फिर एक नहर के पास से मिल जाती है, उसके स्कूल के पास वाकई नहर है और वहाँ गंदे पानी की नालियाँ वगैरह भी जाती हैं, तो कीचड़ होता है बाहर नहर के। और फिर अभी दो हफ्ते पहले, ये जो अभी दो हफ्ते गुजरे हैं, इनमें यही वाला हाल मैंने फिर चार दफ़ा देखे कि बच्ची को स्कूल छोड़ के आती हूँ और लेने जाती हूँ तो मेरी बच्ची स्कूल में नहीं है। जिनमें इन हाबों में पांच दफ़ा जो हाब है उनमें एक दफ़ा ये देखा, जब ये दूसरी दफ़ा आया उससे एक दिन पहले सच में मेरी बच्ची को उसी स्कूल में चोट लगी और उसके अंगूठे का नाहन उतर गया, इतनी तकलीफ हुई उसको। अच्छा। और उसके दूसरी रात मुझे हाब में ये देखा मैंने कि अपनी बच्ची को स्कूल नहीं छोड़ने गई हूँ और उस बच्ची स्कूल के बाहर दो खवातीन खड़ी हैं, उनके साथ एक बच्चा भी है जो तकरीबन 14 साल का है, और मैं जैसे बच्ची को छोड़ के निकलती हूँ तो ही स्कूल है जिसमें मेरी बच्ची सच में जाती है, तो मैं उन खवातीन में से एक के ऊपर थूक देती और वो मुझे कहती है कि तुम्हें लगता है मेरे पे थूका तो तुम्हें छोड़ दूंगी। तो मैंने कहा नहीं, मैंने आपकी तरफ नहीं थूका। तो दूसरी खातून का जो बच्चा होता है वो दूसरी खातून अपने बच्चे से कहती है कि इसके ऊपर थूकना शुरू कर दो। तो फिर मैं गुस्से में आके कहती हूँ आप लोगों ने पहले से बड़ा सताया हुआ है, तो मैं आपको लगता है बच्चा आगे कर दूंगी तो बच्चा समझ के छोड़ दूंगी। मैं उन माँ बेटे के पीछे भागती हूँ और वो माँ बेटा आगे से भागने लगते हैं, पता नहीं बेटा किधर चला जाता है, और वो पहली खातून जिस पे मैं थूकती हूँ उसका भी पता नहीं किधर चली जाती है, लेकिन दूसरी वाली खातून मेरे हाथ से जड़ जाती है। हम दोनों एक छत के ऊपर बैठी होती हैं और बैठे बैठे बातें करते करते वो बताती है कि ये जो पहली वाली खातून है ना, ये तुम लोगों को बर्बाद करने के लिए पूरी तैयारी में है, हम लोग तो सिर्फ इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और फिर मैं उस छत से नीचे उतरती हूँ और देखती हूँ कि मियाँ घर से नहीं निकले, तो कहती हूँ कि 11:30 हो गए हैं, बच्ची को पिक करना है तो लेट हो रही हूँ। फिर मैं भागते भागते स्कूल जाती हूँ और पिक करने की कोशिश करती हूँ तो बच्ची वहाँ नहीं होती। और उस इस ख्वाब ये दूसरी दफ़ा आया दो हफ्ते में ये जो अभी गुजरे हैं, और उसके बाद जी मुसलसल चार दफ़ा आया, हर दफ़ा यही ख्वाब है, वही स्कूल वही साथ गंदा नाला और वही गार्डन, वहीं से बच्ची को नर्सरी में छोड़ती हूँ। और आखिरी दफ़ा जब आया तो देखा कि अपनी बच्ची को जब क्लास में लेने के लिए जाती हूँ तो इसी ख्वाब में तीन दफ़ा क्लास में जाती हूँ और देखती हूँ कि बच्ची है कि नहीं है, तो देखती हूँ कि सबसे पीछे बैठी है। जब चौथी दफ़ा देखती हूँ हाथ में बच्ची के बूट पकड़े हुए हैं अपने हाथ में बेटी के, और वो सच में वही बूट है जो उसे स्कूल पहन के जाती है, तो देखती हूँ जाके कि बच्ची क्लास से गायब है। सबसे पूछती हूँ बच्ची किधर की है, तो कहते हैं हमें क्या पता किधर गई। तो मैं इतनी परेशान हूँ, फिर मैंने बच्ची को स्कूल भेजना छोड़ दिया, वो नर्सरी में, और अभी तक मैंने उसको मेडिकल की बेस पे घर बिठाया हुआ है, क्योंकि उसके साथ जो दो ख्वाब आए थे वो जूं के तू वैसे के वैसे सच हुए। ठीक है, इंशाल्लाह कुछ बता दें आपके लिए। ये दूसरा वाला ख्वाब ये था कि मेरी बहन है एक, उनका एक बेटा है, और वो दोनों खड़े हैं, एक खुला मैदान है जैसे खेत होता है, उसमें मेरे मियाँ भी साथ खड़े हैं, मैं भी खड़ी हूँ, और मुझे एकदम से दूर से एक गुंबद नजर आता है और मैं कुछ बोले बगैर आओ देखती हूँ ना ताओ देखती हूँ भागना शुरू कर देती हूँ। भागते 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 सबसे पहले वो जहाँ गुंबद होता है वहाँ पहुँच जाती हूँ, और जैसे मैं अपना पाँव अंदर रखने लगती हूँ, पता नहीं वो मस्जिद का गुंबद होता है या मज़ार का, तो मुझे एकदम से याद आता है या कोई याद करवाता है कि आप अंदर नहीं जा सकती क्योंकि आपका वजू नहीं है। और वो जो मेरी बहन और उसका बच्चा होता है वो भी अंदर चले जाते हैं और मेरे मियाँ भी। फिर मुझे यही ख्वाब आया कि एक मेरी बहन और मैं और उसका वही बच्चा, तब मेरे मियाँ साथ नहीं है ख्वाब में, हम दोनों भाग रही हैं और भागते भागते भागते
मैं देखती हूँ कि वो और उसका बेटा तेजी से भागते भागते जैसे हवा के दोष में उड़ रहे होते हैं, वो दोनों रोजे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहुंच गए हैं, और मैं नीचे देखती हूँ मेरे पांव जमीन के साथ लग रहे होते हैं और नीचे बड़ा सा कब्रस्तान है, मैं उनको छू रही हूँ और मैं उतरती हूँ भाग के और कहती हूँ कि मैं कब्रों के ऊपर से भाग के कभी नहीं वहां जा सकती, मैं रास्ते पे पड़ती हूँ। फिर ख्वाब खत्म हो जाता है। फिर मुझे परसों यही ख्वाब आया कि एक मज़ार है, उनका नाम है फतेह आलम, वो जो बुजुर्ग हैं वो सचमुच में भी है, और उनके मज़ार की चाबियाँ लेती हूँ और दो खवातीन है, कहती हूँ आपने ज़्यारत करनी है, तो वो कहती हैं हाँ करनी है, तो मैं कहती हूँ अच्छा मैं ना आप लोगों को ज़्यारत करवा सकती हूँ, तो जो वो मालकान है उनसे मैं चाबी लेती हूँ, और मैं जैसे ही दरवाजे खोलने के लिए जाती हूँ तो तीन सीढ़ियाँ अपने हाथ से बनाती हूँ, अच्छा। प्लास्टिक की चीज़ों की तीन सीढ़ियाँ बना के ऊपर दो सीढ़ियाँ रह जाती हैं चढ़ने के लिए, तो वो दो सीढ़ियाँ नहीं बना सकती, ना मैं मज़ार का दरवाज़ा खोल सकती हूँ ना दिखा सकती हूँ, और मेरी आँख खुल जाती है। तो ठीक है, पहले वाले ख्वाब की तबीर जो है वो मुझे प्लीज बताइएगा, मैं क्या इंशाल्लाह। करूं, बच्ची को स्कूल भेजूं नहीं भेजूं, या स्कूल चेंज कर लूं, क्या करूं, उसके लिए मैं हद परेशान हूं। ठीक है, इंशाल्लाह बता दें। अस्सलाम वालेकुम। और एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम, सब कम छो? खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारी तबीयत हारी है? जी सब इस तुम्हारी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह। हमरा जी मुत्तसर अपने બે વસ્તુ પૂછવું હતું તમને. એક તે ખાબા હતો, તે ખાબમાં કોઈ બેબી લઈ આવ્યું ને પછી તે બેબીને જમીનના પર મૂક્યું, તે બેબી પછી દાદર ચડી ગયો ને પછી આંખ ખુલી ગયો, ને પછી બીજા એક ખાબમાં કે તે જતો હતો ને ખાલી અવાજ જ સંભળાય, હમાન 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 હું છે તેની ખબર, તે હમાન ખાલી અવાજ સંભળાતો હતો. અચ્છા, ને ये जो बेबी तमे जो होते है अजनबी है तो कोई ओळखी तो छे? नहीं ते अजनबी बेबी हो तो। अच्छा, नल्लो एकदम नल्लो? हाँ, એટલે એક કે બે વર્ષ સુધી ચાલતા મને લાગે નહીં ખીલો તો. ઠીક છે, ઇન્શાઅલ્લાહ બતાઉં. હા, સલામ અલયકુમ. ઓર એક કોલ લેતે. અસલામ અલયકુમ વ રહમતુલ્લાહ વ બરકાતુ. જી આપ લાઈન પર હે. અસલામ અલયકુમ. અચ્છા, વાલકુમ સલામ વ રહમતુલ્લાહ વ બરકાતુ. मुफ्ती साहब, मुझे वैसे महीना दो हो गए हैं, ख्वाब आया था. हमारे कोई फैमिली फ्रेंड हैं तो वो मर्द हैं, तो उन्होंने मेरी बेटी को काले रंग के शूज पकड़ाते मैं देखा. अच्छा। तो प्लीज इसकी तबीर चाहिए. और मुझे ये भी कुछ टाइम हो गया, मेरी बहन जो है ना उसका सांवला सा रंग उसका चेहरा एक सेकंड के लिए नजर आया, और मेरी कजन का भी एक दफा नजर आया जो उनका जिस तरह का कलर नहीं पर उनका कलर नजर आया जैसे सांवला बहुत रंग है. और एक लेडी के बहुत ऐसे मुंह को वाटर से पड़े हैं, वो जैसे बूढ़ी है पर वो नहीं बूढ़ी. तो प्लीज मैं चाहती हूँ कि पता चले ख्वाब में ऐसे क्यों चेहरे नजर आते हैं दूसरे पर्सन के. अच्छा, वो जो बेटी फैमिली फ्रेंड ने बहन को जो बेटी को दिए काले रंग के शूज दे दिए काले. हाँ जी, मेरी बेटी को पकड़ाए थे काले रंग के शूज. अच्छा, ठीक है, इंशाल्लाह बता दें. अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम. नाज़रीन किराम, बहुत से सवालात आ चुके हैं जिनमें बहुत से ख्वाब भी हैं. ये इंशाल्लाह ब्रेक के बाद इनको तरतीब से बयान किया जाएगा. एक ख्वाब का जिक्र कर देते हैं. सबसे पहले जो हमारी बहन ने ख्वाब बताया था कि गुसल खाना नज़र आता है, गंदगी कभी होती है कभी गंदगी नहीं होती. देखिए, गंदगी अगर सिर्फ नज़र आ रही है तो फिर परेशानी की बात नहीं, लेकिन अगर वो जिस्म पर लग रही है तो इसका मतलब ये है कि आपकी आमदनी के अंदर जो कोई जो इनकम सोर्स है उसमें कोई चीज़ हलाल नहीं है, मतलब कोई हराम का हिस्सा आ रहा है. तो अपनी आमदनी पर गौर कर लें, कहाँ कहाँ से रकम आ रही है घर में. ये गंदगी जो है निशान इस तरफ है. दूसरा जो आपने बताया कि अजनबी जगह पर हैं और काला कुत्ता भौंकता है, आप ऊपर चढ़ जाती हैं, हत्ता कि इतनी ऊपर चढ़ जाती हैं कि आपको नीचे देखकर खौफ महसूस होता है. देखिए, ये काला कुत्ता जो है ये ऐसा आदमी है जो दुश्मन तो है लेकिन छुपा हुआ है. हो सकता है जाहिर में वो आपके साथ मिलता जुलता है वो आदमी या औरत, लेकिन हकीकत में वो दुश्मन है. भौंकने का मतलब ये है कि आपको सताने की कोशिश कर रहे हैं. आप जब ऊपर चढ़ जाती है इसका मतलब ये है कि अब आप उसकी तकलीफ़ से महफूज हो जाएंगी, सेफ़ हैं, प्रोटेक्टेड हैं, अब आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी इंशाल्लाह. रोज़ाना आयतुल कुर्सी
और कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास ये पढ़ती रहें, हक़ तआला शानहु तमाम शुरूर से आपकी हिफाज़त फरमाएगा। ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह बकिया जवाबात दिए जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।